अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए रैम्बो पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। दो डिफरेंट तरीक़ों से मैं आप रैम्बो पॉपकॉर्न बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब घी डाल रही हूँ। आप ऑयल, घी या बटर किसी में भी आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं। अब इसमें पॉपकॉर्न शामिल करेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून के करीब इसमें पॉपकॉर्न लिए हैं और इसमें शुगर जा रही है। शुगर मैंने 2 टेबल स्पून ली है। शुगर आप अपने अंदाजे से भी ले सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा मीठे पॉपकॉर्न पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा लें। अब इसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया है तो मैं इसको मिक्स करूँगी और फ्लेम को मैंने बहुत लो रखा हुआ है ताकि जो शुगर है हमारी कैरमलाइज होना शुरू हो जाए और इसके कलर की मिक्सिंग होती रहे। तो आपने स्पैचुला इसमें चलाते रहना है। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो शुगर है थोड़ी सी ब्लू कलर की होना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरह से ही जब ये कैरमल बन जाएगी तो ये ब्लू कलर का कैरमल बनेगा और पॉपकॉर्न के साथ इसकी कोटिंग होती रहेगी। जैसे ही पॉपकॉर्न इसमें बनना शुरू होंगे मैं फ़ौरन इसे कवर कर दूंगी। पॉपकॉर्न बनना शुरू हो रहे थे, मैंने जल्दी से इसे कवर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पॉपकॉर्न बन रहे हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा शेक किया है तो आप बीच बीच में इसको थोड़ा सा हिलाइएगा अपने फ्राई पैन को। जो शुगर कैरमल हो रही है वो नीचे लगेगी नहीं, वो पॉपकॉर्न में इसकी कोटिंग होती रहेगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड मुझे लगता है रैम्बो पॉपकॉर्न बनाने का। थोड़ा सा इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि हर पॉपकॉर्न आपको अलग अलग बनाना पड़ता है कलर का। तो जो सेकंड मेथड है वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, बहुत जल्दी से बन जाता है और इसमें शुगर का थोड़ा सा कड़वा होने का भी डर रहता है। अगर आपने थोड़ी सी देर ज़्यादा पॉपकॉर्न को रख दिया चूल्हे पर तो वो जो हमारा कैरेमल है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो आपने इसमें बहुत एहतियात करनी है और इसे मैं निकालूंगी और इसकी मिक्सिंग करूंगी। तो आ जाते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड बहुत ईजी है और बहुत क्विक है और इसे बच्चे भी बना सकते हैं आराम से। तो मैंने अगेन 2 टेबल स्पून के करीब घी लिया है और इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है और 1/4 कप इसमें मैं पॉपकॉर्न की सीड्स ऐड कर रही हूँ। तो आपने जितने भी बनाने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप रखिएगा। तो बस इसको हल्का सा मैंने ऑयल में मिक्स किया और जल्दी से इसे मैं कवर कर दूँगी। और आ जाता है पॉपकॉर्न बनाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जो ये पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं ना तो घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बस दिल चाहता है आपने बस निकलें और फ़ौरन खा लें। तो और साथ ही जो पॉपकॉर्न बनने की आवाज़ होती है ना वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को। खास तौर पर पॉपकॉर्न बनते हुए बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। तो पॉपकॉर्न हमारे हो गए रेडी। आ जाते हैं शुगर सिरप की तरफ। तो मैंने इसके लिए 1/2 कप शुगर ली है, 1/4 कप इसमें पानी ऐड करें। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप बस अंदाजे से इतना पानी डालिएगा कि शुगर जो है पानी के ऊपर कवर हो जाए। तो बस इसको मैं कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी और शुगर को डिसॉल्व करना है। हमें एक तार का शीरा बनाना है गाढ़ा। जस्ट 5 to 6 मिनट लगते हैं इस शुगर सिरप को बनाने में। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल बनना शुरू हो रहे हैं। शुगर इसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी दाना नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको मैं चलाती जा रही हूँ। जस्ट 5 to 6 मिनट लगते हैं शुगर सिरप को बनाने में। तो आप ये शुगर सिरप बना के भी रख सकते हैं। तो बहुत आसान सा मेथड है ये, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो शुगर डिसॉल्व हो गई है और मैं इसको चेक करती जा रही हूँ बीच बीच में कि हमारा एक तार का शीरा तैयार हुआ है या नहीं। तो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है शीरा। इस स्टेज पे आपने इसमें फ्यू ड्रॉप लेमन जूस या विनेगर ऐड कर लिएगा। वो मैंने आपको दिखा नहीं सकी लेकिन मैंने इसमें ऐड किया था ताकि जो हमारी शुगर है वो क्रिस्टलाइज ना हो। तो शुगर मेरा सिरप रेडी है, इसको बंद कर देंगे और आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो मैंने कलर लिए हैं, 4 डिफरेंट कलर मैं ले रही हूँ। तो आपके पास भी जो जो कलर अवेलेबल हो या आपके बच्चों को जो कलर फेवरेट हो तो आप उस कलर के पॉपकॉर्न बनाइएगा। मैंने रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर लिया है। आपने 4 अलग बाउल्स ले लीजिएगा क्योंकि कलर मिक्सिंग करनी है हमें। और स्पून भी मैंने अलग ही रखे हैं सारे ताकि जब मैं उनकी कोटिंग करूं तो मुझे अलग अलग स्पून इस्तेमाल करने की ज़रूरत न पड़े। बस अब मैं 2 टेबल स्पून इसमें सिरप ऐड कर रही हूं और इससे ज़्यादा आपको सिरप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्वीट पॉपकॉर्न बनाने में आपको ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती क्योंकि शुगर सिरप बहुत अच्छी सी कोटिंग कर देता है पॉपकॉर्न के ऊपर। तो बस सिरप और कलर को मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि जो हमारा शुगर सिरप है वो अच्छे से कलर का हो जाए।
बहुत मज़े के लगते हैं ये पॉपकॉर्न, बहुत देखने में इतने अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए ये पॉपकॉर्न ज़रूर बनाइएगा। तो बस जो पॉपकॉर्न मैंने बना के रखे थे उसमें से मैंने एक कप निकाल लिया है, एक बाउल लिया है, और जो सिरप मैंने बनाया था वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे से 2 स्पून की मदद से आपने मिक्सिंग करनी है, हाथ आपने बिल्कुल भी इसमें टच नहीं करना है। और कोशिश करिएगा क्योंकि शुगर सिरप हमारा गर्म ही हो, उसे ठंडा नहीं होने दिएगा। बस ये मैंने 2 स्पून की मदद से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ही गया है इसमें सिरप, इससे ज़्यादा सिरप इसमें नहीं जाएगा, और बहुत ही प्यारे से कलर के पॉपकॉर्न रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, इसमें बहुत अच्छा सा रेड कलर आ गया है। आ जाते हैं सेकंड कलर की तरफ, तो मैंने अगेन एक बाउल लिया है पॉपकॉर्न का, और इसमें मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं कलर वाले और पॉपकॉर्न, स्वीट पॉपकॉर्न, या आप गुड़ वाले पॉपकॉर्न बच्चों को बना के दें, क्योंकि सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न तो आप खाते ही रहते होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से स्वीट पॉपकॉर्न और कलरफुल पॉपकॉर्न ज़रूर बनाइएगा। तो मेरा ग्रीन कलर भी रेडी हो गया सारा, इसमें सिर्फ मिक्सिंग का है, आप अच्छी मिक्सिंग करेंगे तो अच्छा कलर आएगा। कलर मैंने बहुत अच्छी तरह से डाला है, इससे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, और जो मेरा सिरप बच गया है उसे मैंने नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए रख दिया है। तो जब भी मैं कभी बनाऊंगी तो उसे गर्म करके दोबारा कलर डाल के और अच्छे से रेमबो पॉपकॉर्न मैं बना सकती हूँ। तो मैंने ब्लू कलर ऐड कर लिया है, आप थोड़े से पॉपकॉर्न वाइट भी छोड़िएगा तो बहुत अच्छे से मल्टी कलर बन जाता है ये रेमबो कलर। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि बस आपने सिर्फ इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी कलर और शुगर की कोटिंग होगी, और हमारे स्वीट पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे ही कलर अपने रेडी कर लिए हैं, आप चाहें तो इनको मिक्स करें या फिर अलग अलग रखें, दोनों ही तरीके से ये बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको दिखाया, अलग अलग बाउल में करके भी दिखाया, और इन सबको मिक्स करके रेमबो बना के भी दिखाया। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।